आलू परवल की सूखी सब्जी या इसको आप भुजिया भी कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप दाल चावल पराठे पूरी के साथ भी खा सकते हैं और बच्चे या बड़े किसी को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 250 ग्राम परवल और 250 ग्राम हमने आलू लिया है। दोनों को उसको छील के इसको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, देख सकते हैं आप। और इसको धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और उसमें हम उसको गर्म होने के बाद इसमें सरसों तेल में डाल बनाएंगे। तो आप ज़रूर सरसों तेल में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सरसों तेल हल्का गर्म होने देंगे। यहाँ से 2 से 3 चम्मच हमने सरसों तेल लिया है बड़े चम्मच से। उसमें गर्म होने के बाद हींग डाल देंगे। हींग को हल्का सा चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा और एक यहाँ सूखी लाल मिर्च लिया है। और इन दोनों सबको को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसको अच्छे से काट करके प्याज को हम इसमें डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक इसको हल्का सा भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाएं। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च डाला है काट करके, देखिए लंबे लंबे में। तो इसको भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए प्याज और हरी मिर्च का। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाने में बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार होते हैं और बहुत ही कम मसाले में। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। इसको आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कटे हुए परवल और आलू जो है इसमें हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम डाल देंगे और बहुत ही कम मसालों में इसको बना कर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ आलू और परवल को भी डाल दिया है। अब इसको हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे और पकेंगे नहीं अच्छे से, इसलिए गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। इसको चलाते हुए इसको भूनेंगे। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको हम ढक के पकाएंगे, गैस को लो कर देंगे कि अच्छे से पक जाए। तो इसको यहाँ हम ढक देते हैं और 5 मिनट के बाद इसको हम चेक। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले में हम इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर और हम यहाँ डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च को आप कम कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार हम यहाँ नमक डाल देंगे। इन सभी मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे सभी मसालों को अच्छे से मिला लें। सभी मसालों को मिलाने के बाद फिर से इसको हम लो गैस पे इसको हम 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे जिससे कि ये परवल और आलू जो है अच्छे से पक जाए। इसको हम फिर से ढक देते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक दिए थे। देखिए हमारा आलू जो अच्छे से पक चुका है, इसको हम चेक करेंगे अभी। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखने में लग रहा होगा कि आलू जो अच्छे से और परवल जो अच्छे से पक चुका है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि आलू जो हमारा पका है या नहीं। देखिए हमारा आलू जो है अच्छे से वो पक चुका है, देख सकते हैं आप। और हमारा परवल भी पक चुका है। तो इसको अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए हमारी जो परवल आलू की सूखी सब्जी या भुजिया कहिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी रेसिपी तैयार है। तो इस तरह से आप इस सब रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम अब इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में सुंदर है और बहुत ही टेस्टी।